आपके घर पे अगर 1 से 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा है, आपके घर पे एक इंडक्शन चूल्हा है, एक 1 से 1.5 HP का समरसेबल पंप है, और इसके साथ ही घर के बाकी लोड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा, अगर इस तरह के आपके घर पे लोड है और आपको एक परफेक्ट एक सोलर सिस्टम चाहिए, तो अगर आप दुकानदार भाइयों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब मेरे को इतना लोड जो है वो चलाना है, तो सबसे पहले आपको जो दुकानदार भाई रिकमेंड करेंगे वो आपको 4 से 5 kW तक का इन्वर्टर जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे। इन्वर्टर के अंदर 2 टाइप की टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को आपको मिलती है, एक है PWM टेक्नोलॉजी और एक है MPPT टेक्नोलॉजी। MPPT टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि लो लाइट कंडीशन में आप लोगों को ज्यादा आउटपुट जो है अपने सोलर पैनल से मिल जाता है। तो MPPT जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रचलित और सबसे ज्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी जो है वो MPPT टेक्नोलॉजी है। तो MPPT टेक्नोलॉजी में क्या नया है और आपके लिए अगर आपको इस तरह के पूरे लोड अपने घर पे चलाने हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके बजट में क्या होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, तो इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो रही है सोलर पैनल्स की, बैटरीज की, इन्वर्टर्स की। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्वर्टर बताने जा रहा हूं जो इन्वर्टर तो है 3 kVA का पर आप उस पर 3.5 kW का लोड चला सकते हैं। So, आप सुन के शॉक्ड हो गए होंगे कि 3 kVA का इन्वर्टर और 3.5 kW का लोड, और अभी बात ही खत्म नहीं होती है, आप 4-4.5 kW का पैनल उसके ऊपर लगा सकते हैं 3 kVA पे। अगर ट्रेडिशनल आप 5 kVA इन्वर्टर से कंपेयर करें तो आपको 5 kVA का ट्रेडिशनल इन्वर्टर और ये 3 kVA का इन्वर्टर ऑलमोस्ट सेम जो है आपको परफॉर्मेंस दे देता है। वजन की बात करूं तो मात्र 12 किलो का आप अपने मकान की दीवार पे जो है उसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और लिथियम आप बैटरी लगाना चाहते हैं आप लिथियम बैटरी लगाइए, आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं लेड एसिड बैटरी लगाइए। तो ये सारे लेटेस्ट फीचर के साथ में आपको नेक्सस की इन्नो सीरीज का ये एक बेहतरीन सोलर PCU 8 टेक्नोलॉजी के साथ में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये इन्वर्टर क्या है, कैसे है, कितना पावरफुल है, कितना लोड ले सकता है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, और 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप ये इन्वर्टर बाई करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल भी मिलने वाला है। तो वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्सस का 3 kVA का, आप सामने देख पा रहे हैं 8 टेक्नोलॉजी का सोलर MPPT PCU, और ये PCU में सबसे पहला जो आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलता है वो मिलता है पावर फैक्टर का। इस सोलर PCU का पावर फैक्टर है 1, इसका मतलब कि इसके अंदर जो लॉस है वो लॉस आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब 3 kW का रेगुलर लोड आप इस पर चला सकते हैं 3 kVA के इन्वर्टर पे 3 kW का लोड। मतलब कि अगर आप 4 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो नॉर्मल आपको 4 kVA के इन्वर्टर में पावर फैक्टर मिलता है 0.8 का, जिससे मैक्सिमम आप 4 kVA के इन्वर्टर पे 3 kW का लोड ही चला सकते हैं, पर यहाँ पे आपको चूंकि पावर फैक्टर आपको 1 का मिल रहा है तो आपको 3 kW का आप रेगुलर लोड आप इस इन्वर्टर पे चला सकते हैं। इस इन्वर्टर में मैंडेटरी ये है कि आपको जो अर्थिंग है वो अर्थिंग आपको मैंडेटरी है, वो करानी ही करानी है, आपको AC साइड की भी अर्थिंग करानी है, DC साइड की भी अर्थिंग करानी है, और इसी के साथ में न्यूट्रल वायर जो है वो आपके घर पे होना चाहिए, तो ये इस इन्वर्टर के लिए मैंडेटरी है। हाइब्रिड ये इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों के एडवांटेज जो है, दोनों टेक्नोलॉजी के एडवांटेज आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाता है और आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है तो ये इन्वर्टर जो है एक्स्ट्रा जनरेशन को आपको विभाग को दे सकता है, और जब आपकी ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो बैटरी प्लस सोलर दोनों को मिला के आपका लोड चला सकता है। मतलब कि एक परफेक्ट इन्वर्टर है, मात्र 12 किलो वजन आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और अब मैं फ्रेंड्स आपको दिखाऊं, तो फ्रेंड्स अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका अपीयरेंस, फ्रंट अपीयरेंस गोल्डन कलर का ये इन्वर्टर बेहतरीन प्रीमियम लुक देता है। और आपको मैं साइड से दिखाऊं, AC इनपुट, ये इनपुट के लिए दिया हुआ है, आउटपुट के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसी के साथ USB आप लगा के डाटा जो है वो आप डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी जो बैटरी है बैटरी को कम्युनिकेट करने के लिए, लिथियम बैटरी को कम्युनिकेट करने के लिए R232 पोर्ट इसके अंदर दिया हुआ है। इसी के साथ आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है और DC इनपुट भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। मैं आपको साइड से दिखाऊं तो बहुत एक स्लीक जो है डिजाइन आपको यहाँ पे PCU का देखने को मिल रहा है। एंटी डस्ट जो है फिल्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं PCU के साथ में, दोनों साइड में ही। तो फ्रेंड्स अब आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ और साथ ही इसकी लोड टेस्टिंग करेंगे कि कितना लोड जो है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इतने हम इसको खोलते हैं, मैं आपको बताऊं पैनल सपोर्ट में आपको 4 kW का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं।
अगर फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स ऐसा कोई फीचर्स नहीं जो इस इन्वर्टर के अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो फीचर्स इसके अंदर देखने को ना मिले। ड्यूअल SMPS फैन इसके अंदर लगा है, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा वैसे वैसे फैन की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इसी के साथ आपको बैटरी कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल दिए हुए हैं। लेड एसिड बैटरी अगर आपको लगानी है तो 4 लेड एसिड बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आपको लिथियम बैटरी लगानी है तो आप 100 AH की या 50 AH की लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर लोड की बात करूं तो 1 HP से 1.5 HP तक का सबमर्सिबल पंप आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 1.5 टन का आप इन्वर्टर AC आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 2000 वॉट का इंडक्शन आप इसके ऊपर चला सकते हैं, मतलब कि एक टाइम में आप मैक्सिमम 3000 वॉट तक का लोड चला सकते हैं। और अगर ओवरलोडिंग की बात करें तो 3.5 किलोवाट तक का भी लोड ये कुछ सेकंड के लिए ले सकता है। तो 3.5 किलोवाट तो आपको इससे लोड नहीं लेना है मतलब, पर आप 3 किलोवाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये देखने को मिलता है कि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में आपको 3 KVA के इन्वर्टर पे ही 3.5 किलोवाट का लोड जो है वो चल जाता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, लास्ट मेरा वीडियो था 5 KVA का, उस पर कमेंट किया कि सर आप तो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी की बुराइयां बताते थे तो अब आप ट्रांसफॉर्मर लेस जो इन्वर्टर है उसकी आप अच्छाइयां बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन लोगों ने मेरा पूरा वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने उसमें ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में मैंने जो डिसएडवांटेज बताए थे वो ये बताया था कि इसको आफ्टर वारंटी अगर आप इसको रिपेयर कराएंगे तो इसकी रिपेयरिंग जो है ट्रांसफॉर्मर लेस की जो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं उसमें यहाँ पे कंपोनेंट लेवल जो रिपेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं है। पर नेक्सस ने अपना इन्वर्टर ही तब लॉन्च किया है जब इसकी कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग जो है वो आपको मिलती है, मतलब कि इस इन्वर्टर का कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है तो आपको ऑन साइट जो इंजीनियर है हमारा वो आपकी साइट पे ही इस इन्वर्टर को ठीक कर देगा, और जो कंपोनेंट खराब है वही कंपोनेंट इसका जो रिपेयर है वो हो जाएगा। आउट ऑफ वारंटी में भी इस इन्वर्टर की ट्रबल शूटिंग उसी तरह हो जाएगी जिस तरह आप जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के साथ इन्वर्टर हैं उनकी होती है। जहां आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में आपको कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग मिलती हो तो वहां पे जो है कोई दिक्कत नहीं है इन्वर्टर को लेने में, वहां पे ये इन्वर्टर जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है आपको इस इन्वर्टर से देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्सस जो है अपनी 10 KVA 20 KVA 30 KVA और 50 KVA तक की भी अपनी सीरीज जो है वो जल्द ही लॉन्च करेगा। 10 KVA तक ऑलरेडी अवेलेबल है 3 फेज में। इस इन्वर्टर को आप अप टू 20 इन्वर्टर्स तक पैरेलल कर सकते हैं। हर 5 इन्वर्टर के बाद में आपको एक बूस्टर यहाँ पे लगाना पड़ता है, और उसके साथ आप अप टू 20 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हैं, मतलब कि 3 KVA का इन्वर्टर जो है 60 किलोवाट तक बन जाएगा। कि अगर किसी को बाद में अपने फ्यूचर में लोड बढ़ाने हैं तो वो धीरे धीरे करके अपने जो है लोड अपना इन्वर्टर जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे अपने जो वीडियो के कमेंट बॉक्स हैं उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि नेक्सस की जो है वो सर्विस जो है वो बिल्कुल बेकार है, खराब है, ये है वो है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि नेक्सस की जो सर्विस है वो वर्ल्ड क्लास सर्विस है। नेक्सस के पास में पैन इंडिया अपने सर्विस जो है इंजीनियर्स अवेलेबल है, और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि नेक्सस की सर्विस अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट में तो कोई ऐप निकाल नहीं सकते तो बस सर्विस के नाम पर वो ऐप निकालते रहते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को कि अगर नेक्सस के साथ में किसी का भी इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि उसको ऑन टाइम सर्विस नहीं मिली है तो वो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वो अपना नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर और अपना कंप्लेंट नंबर लिखें। और मैंने अपनी कई वीडियोस में बोला है कि आप अपना नाम, नंबर, कंप्लेंट नंबर लिखें, पर वहाँ पे कहीं भी आज तक मेरे को कोई इस तरह का कमेंट रिसीव नहीं होता है, क्योंकि ये सब फेक कमेंटबाजी जो है वो लोग करा रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको नेक्सस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से दर्द हो रहा है तो इस तरह जो है वो नेक्सस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए, और मैं इनवाइट करता हूं अपने यूजर्स को जिन लोगों ने हमारे नेक्सस के प्रोडक्ट यूज किए हैं, कृपया अपने नाम नंबर के साथ में आप कमेंट जरूर करके लिखें कि आपको नेक्सस के साथ में सर्विस एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा है। इसी के साथ जो लोग भी नेक्सस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो मुझे अपना यूजर रिव्यू वीडियो बना के भी मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग करके देख लेते हैं। और लोड टेस्टिंग में आप ये देखिए, मैं लिथियम बैटरी के साथ में आप इसको टेस्ट करा रहा हूँ, आप लेड एसिड के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, दोनों में ही आपको सेटिंग मिल जाएंगी। तो ये नेक्सस की 100 AH की 48 वोल्ट की बैटरी है, प्रीमियम क्लास की बैटरी, 15 साल की आपको इस बैटरी पे वारंटी मिलती है, और ये इंडिया की सबसे ज्यादा सेफेस्ट बैटरियों में काउंट की जाती है। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कनेक्टर, ये आपको बैटरी के साथ में आपको मिलेंगे अगर आप लिथियम बैटरी बाई करते हैं तो। और इसके साथ ही कुछ लोगों का मेरी प्रीवियस वीडियोस में था कि सब रिमोट मॉनिटरिंग का क्या है, तो रिमोट मॉनिटरिंग आप सिस्टम जो है वो आपको इसमें इन्वर्टर में जो है वो देखने को मिलता है।
तो फ्रेंड्स ये हमारा सिस्टम जो है अब ऑन हो गया है। जैसे कि आप ग्राफिकल डिस्प्ले देख पा रहे हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले में इनपुट जो है वो 0 वोल्टेज, आउटपुट 230 वोल्टेज, और ग्राफिक्स में आपको ये दिखा रहा है कि बैटरी से जो है वो आपका लोड चल रहा है। बैटरी का सिंबल ये आप देख पा रहे हैं, बैटरी का सिंबल, और बैटरी से जो लोड है वो आपका लोड चल रहा है। तो जैसे अगर आपके यहाँ पे हम ग्रिड कनेक्ट कर देंगे तो ये ग्रिड का सिंबल आ जाएगा, इसी के साथ अगर हम यहाँ पे अपना सोलर कनेक्ट कर देंगे तो सोलर का सिंबल आ जाएगा, और उससे जो है वो आपका लोड चलेगा। इसमें जितने भी आप फीचर्स हो सकते हैं, आपको ग्रिड आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी है, सोलर रखना है, बैटरी रखनी है, जो भी आप प्रायोरिटी पर रखना चाहें रख सकते हैं। अपने चार्जिंग एम्पियर आप सेट कर सकते हैं, कितने एम्पियर से आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है वो आप इसमें खुद से ही सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो भी अगर इसकी इस इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग के लिए भी यहाँ पे आपको एक लॉक दिया जाता है, जिसमें आपको जो भी फॉल्ट है वो लॉक में एंटर हो जाएगा। तो ईजिली जो है रिमोट मॉनिटरिंग से भी आपके सिस्टम को ट्रबल शूट किया जा सकता है, और फिजिकली तो हमारे इंजीनियर जो है वहाँ जाके आपको आपके जो सिस्टम है उसको ट्रबल शूट कर ही देंगे। तो लोड में परसेंट वाइज भी आप लोड देख सकते हैं, और इसी के साथ ही आप वाट में भी आप इसका लोड देख सकते हैं। तो मैं लोड अपना ऑन करवा रहा हूँ, और ये लोड जो है हमारा ऑन 33% लोड, और मैं इसको अगर वाट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप वाट में देखना चाहें तो वाट में भी आप देख सकते हैं, तो करीब 960 वाट का लोड। इसी के साथ क्लैम मीटर में लोड देखें तो 4.2 एम्पीयर का ये लोड जो है हमारा चल रहा है। और मैं सामने आपको दिखाऊँ, सामने ही हमारा जो है वो टेस्टिंग का सिस्टम लगा है करो, और ये एक और हीटर हमने शुरू करा दिया, तो ये दो हीटर हमने शुरू करा दिए हैं, और आप ये देखें 1.64 किलोवाट का लोड जो है, अब मैं केवी में नहीं किलोवाट में लोड चल रहा है। और जैसे देखें जैसे आप लोड बढ़ा है वैसे ही एसएमएस फैन की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। और इसी के साथ और लोड बढ़ाते हैं, ये एक हीटर जो है वो और ऑन करा दिया है, तीन हीटर, और ये आप देखें 2.48 मतलब 2.5 किलोवाट का लोड बहुत आराम से इस इन्वर्टर पर चल रहा है। जैसे कि आप देखें जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे जैसे एसएमपीएस फैन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। इस इन्वर्टर में कूलिंग सिस्टम है कि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा तो आपकी फैन स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जैसे जैसे हीट अंदर इन्वर्टर के अंदर आएगी एसएमपीएस फैन की सहायता से वो ड्यू जो है वो बाहर ट्रांसफर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये 2.5 किलोवाट का लोड, आप इसमें थोड़ा सा और लोड बढ़ा देते हैं हम लोग, तो ये और लोड बढ़ा दिया गया है, और आप ये देखें आउटपुट में सबसे बड़ी बात ये है कि 3 किलोवाट की अप्रॉक्सीमेटली लोड जो है हमारा चल रहा है, और आउटपुट में आप देखें 230 वोल्ट, मतलब आप दूसरे इन्वर्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे आप 5 केवी के इन्वर्टर पे 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट का लोड आप चलाएंगे तो आपके वोल्टेज जो है 230 से ड्रॉप हो जाएंगे, पर यहाँ पे देखें आपका वोल्टेज 1 वोल्ट भी ड्रॉप नहीं हुआ है, और 3.26 मतलब 3.26 किलोवाट का लोड जो है हमारा सिस्टम है इंटरप्टेड चला रहे हैं, पर 3.25 किलोवाट का लोड चला रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप 4 किलोवाट का भी आप इन्वर्टर लेते हैं तो 4 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर से भी ज़्यादा ये इन्वर्टर जो पावरफुल है। और जैसे कि मैं आपको हीटर्स दिखाऊं तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हीटर्स जो है वो रेड हो गए हैं, और मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हीटर्स जो है हमारे 1, 2, और ये हीटर्स जो है ये ऊपर 3 हीटर्स जो है हमारे, हाँ ये रेड हो गए हैं, और इन्वर्टर की आप साइड पर देखें तो 3.230 वोल्ट आउटपुट, और ये इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी खासियत कि वोल्टेज आपके बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा आउटपुट में, जबकि आप नॉर्मल किसी भी इन्वर्टर पे आप इस तरह का लोड डालेंगे तो आपके जो वोल्टेज है वो आपके वोल्टेज जो है आउटपुट के वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस इन्वर्टर में बहुत सारी विशेषताएँ भी हैं, अब मैं इसको ओवरलोड करके देखता हूँ इन्वर्टर को। ये देखिए ये अभी हमने ये 3.5 किलोवाट से ऊपर का लोड चला दिया है, हैलोजन और चला दिया है, और इन्वर्टर जो है अभी भी हमारा लोड चला रहा है, करीब 4 किलोवाट का लोड चला रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इतना लोड जो है वो ना चलाएं कभी भी इस इन्वर्टर पर, क्योंकि 3 केवी का इन्वर्टर है तो मैक्सिमम आप 3 किलोवाट का ही लोड इसके ऊपर चलाएं। तो फ्रेंड्स ये एक बेहतरीन इन्वर्टर आपके लिए, जैसे मैंने आप लोगों को वायदा किया था कि एक इन्वर्टर एक बेहतरीन इन्वर्टर होने वाला है। इसी के साथ बहुत सारे फीचर्स अभी इसके और रह गए हैं जो मैं अपनी और वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, और रिमोट मॉनिटरिंग भी आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों को चलानी है, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो अब फ्रेंड्स बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्राइसिंग इसकी क्या रहने वाली है। इस इन्वर्टर की जो प्राइसिंग है वो है 80,000 प्लस जीएसटी, तो 12% जीएसटी सोलर पैनल के साथ है, और 18% अगर आप खाली इन्वर्टर को बाई करते हैं। तो 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप ये इन्वर्टर लेते हैं तो
80,000 प्लस जीएसटी में आपको इन्वर्टर जो है मिल जाएगा। और फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो और ये इन्वर्टर दोनों ही पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।